गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चलेगा हमारा 8। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारा चैप्टर 7 था वो स्टार्ट होना था, लेकिन जो चैप्टर 7 है उसमें हमें त्रिभुज की रचना करनी है। जो आपको ऑनलाइन समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी ऑफलाइन, तब मैं वो जो आपका चैप्टर है चैप्टर 7 वो मैं आपको जब करा दूंगी। अभी के लिए हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का ये पार्ट 1 है जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 8.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुपात ज्ञात कीजिए। ए है हमारा ₹5 का ₹0.50 से, देखिए अनुपात ज्ञात करना। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक बर्गर है और बर्गर की आपकी जो 8 स्लाइस होती है और आपने इसमें से जो 2 स्लाइस हैं वो खा ली, तो अब आपके पास कितने स्लाइस लेफ्ट है। तो इसका अनुपात हम जब निकालते हैं तो 2/8 लिखते हैं, यानी 2 स्लाइस हमने खा ली और 8 स्लाइस थी, तो 1/4 इसका आंसर आता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो होता है ये होता है अनुपात निकालना, लेकिन हमें यहाँ निकालना है पैसों का अनुपात। देखिए, ₹5 में आप मुझे जल्दी से बताइए कितने पैसे होते हैं। देखिए, आप कह सकते हो ₹5 बराबर 500 पैसे, है ना, और अनुपात कितना हो गया ₹5 का, यानी 500 पैसे का 50 पैसे। पैसे में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि ये वाली डिजिट हमारी पैसे में थी। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए 0 से 0, 5 से 1, 10 आ गया, यानी 10:1। बी देख लीजिए, बी है हमारा 15 kg का ग्राम। ठीक है, देखिए 15 kg बराबर 15 × 1000 ग्राम। अनुपात क्या हो गया, जीरो से जीरो, अभी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21, 3 5 50, क्या गया अनुपात 500:7। क्लियर है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, तो 9 मीटर बराबर कितना होता है 9 × 100 सेंटीमीटर। अनुपात 900/27, डिवाइड कर दीजिए 9 से, 100 और 9 × 27, तो 100/3। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है 30 दिनों का वाला, वो आपको आपको सॉल्व करना है। इजी है, ठीक है, क्या करना है उसमें 30 दिनों का 36 घंटों से, तो दिनों का आपको घंटों में निकालना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे,
तो 30 को आपको 24 से डिवाइड करके अपॉन में 36 करना है और आपका अनुपात आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर होने चाहिए, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या बराबर 3। तो एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 3/6। हमें निकालनी है 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या, है ना। यही पूछा है हमसे, क्या 3 कंप्यूटर होने चाहिए, ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो 3/6 × 24 डिवाइड कर दीजिए, 6 × 4 = 24 और 4 × 3 = 12, ठीक है, कंप्यूटर। तो हम लिख सकते हैं 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, 24 चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 300,000 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 200,000 किलोमीटर² है, ज्ञात कीजिए इन दोनों राज्यों के प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट, राजस्थान की जनसंख्या 3 लाख किलोमीटर² उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बराबर 200,000 किलोमीटर² निकालना क्या है, दोनों राज्यों के प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति। तो पहले राजस्थान का निकालते हैं, राजस्थान में प्रति किलोमीटर स्क्वायर व्यक्तियों की संख्या 2 करेंगे, जो जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। राजस्थान
कि जनसंख्या अपॉन राजस्थान का क्षेत्रफल। जनसंख्या क्या है? 570 लाख, और ये कितना है? 3 लाख। ठीक है, लाख में है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया? 3 1 3, 3 9 27 और 0 लाख। ठीक है, अब निकालना है उत्तर प्रदेश में प्रति किलोमीटर स्क्वायर व्यक्तियों की संख्या। फॉर्मूला यही है क्या? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 1660 अपॉन 2 लाख, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 2 8 60, 2 3 6 लाख। डिवाइड करने के बाद यही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों का, उस राजस्थान का भी और उत्तर प्रदेश का भी। सेकंड में पूछा है किस राज्य में जनसंख्या कम घनी है, तो ये आप बता ही सकते हैं कि राजस्थान राज्य में जनसंख्या कम घनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 8.2। में क्या है? भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए, तो हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता ही है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है 1.8, फर्स्ट का ए है 1.8। हमें इसे किस में निकालना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में जब हम निकालते हैं तो क्या करना होता है? 1/8 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, आप इसे डिवाइड की कर दीजिए। 8 1 8, 2 2 0 यानी 20, 8 2 16, कितने बचे हमारे? देखिए, अगर मैं 8 से डिवाइड करूं 100 को, 8 1 8 2 0 8 2 64, पॉइंट लगा के मैं यहाँ 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, और 8 5 40 कितना आ गया? 12.5। को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 12.5 ही आएगा, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का साइन लगा देना क्योंकि हमें प्रतिशत में ही निकालने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, क्या है हमारा? 5.4, इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत में निकालना है तो 5/4 × 100, 4 को डिवाइड कीजिए, 4 2 8, 2 बचा 0, 4 5 20, 5 × 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 125%। ठीक है, अब
अब नेक्स्ट देखते हैं, सी ओ डी इसी तरीके से है। अब दी गई दशमलव भिन्नों की को प्रतिशत में बदलिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें कुछ संख्या दी गई है, ए है हमारी 0.65, ये भिन्न है, इन्हें हमें दशमलव में चेंज प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में जब हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 65%। क्लियर है, बहुत इजी है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए बी देख लीजिए एक बार, क्या है 2.1, इसे हमें चेंज करना है प्रतिशत में। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 210%। क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रकार से है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो देख लीजिए। जिस तरीके से जब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से है। जैसे हमें एक सर्कल दे दिया और उसमें से हमें ये पार्ट कलर करके दे दिया। अब हमसे पूछा है कि कितना पार्ट क्या है रंग दिया गया है, कितना भाग रंग दिया गया है, इस प्रकार ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत रंगीन है। तो कितने प्रतिशत रंगीन है इसे निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, देखिए ये कितना सर्कल है हमारा, एक सर्कल है, एक सर्कल में इसके कितने पार्ट किए उन्होंने, 4, और कितने पार्ट कलर कर दिया, मतलब कि देखिए दोबारा से देखिए ध्यान से, ये हमारा एक सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो नीचे कितना आ गया 4, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया, और कितना कलर है 1, ठीक है, तो इसे 1/4, और अगर प्रतिशत में पूछे तो इनटू 100 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया 4 × 5, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया 25 प्रतिशत भाग हमारा क्या है, शेडेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए इसी का, एक सर्कल है आपका और इसको इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 6 पार्ट्स में थे, इन्होंने बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं उन्हें शेडेड कर दिया और 2 पार्ट्स इनके लेफ्ट हैं, क्लियर। तो शेडेड पार्ट बताने हैं हमें, तो हमें पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 6 में, नीचे 6 आ गया, शेडेड कितने हैं 4, इसको चाहो तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, यानी 2/3 इसका आंसर आ गया। और अगर परसेंटेज निकालनी हो तो 2/3 × 100, तो जो भी हमारा आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैंने छोटी सी गलती कर दी क्या, ये जो हमारा है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, और कितने पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है, ठीक है, ये 3 पार्ट शेडेड है और 2 पार्ट्स हमारे लेफ्ट हैं, तो यानी पूरे 5 इसको पार्ट में डिवाइड किया गया और 3 पार्ट इसके शेडेड है, और हमें परसेंटेज भी निकालना हो तो × 100, इसे डिवाइड कर दीजिए 5 × 2 = 10 और 2 × 3 = 60%, ठीक है, क्योंकि 0 भी है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका जो पार्ट 3 है वो आपको मैं होमवर्क के लिए देती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।